Good afternoon, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jones from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Gives Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. I would like to introduce today's speaker, Anita Chowdhury. She is an ovarian cancer survivor. Welcome, Anita ma'am, for today's session. Namaskar, मैं अनीता चौधरी. मुझे 2013 में ओवेरियन कैंसर हुआ. मुझे कई बार बहुत तकलीफ होती थी, भूख नहीं लगती थी, पेट फूला फूला सा लगता था. ऐसा लगता था मुझे गैस बन रही है. मुझे कई बार बैठने में तकलीफ होती थी, लेकिन ये कई महीनों से चल रहा था. लेकिन मैंने अपनी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया. मैं सिर्फ एक फिजिशियन को ही दिखाती रही या घरेलू दवाइयां लेती रही. लेकिन जब मेरा दर्द बहुत अधिक बढ़ गया, असहनीय होने लगा, तब मैंने स्पेशलिस्ट पेट के डॉक्टर को दिखाया. उन्होंने तुरंत मुझे सोनोग्राफी कराने के लिए कहा. जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत बायोप्सी के लिए कहा. बायोप्सी की रिपोर्ट आने पर परिवार वालों के चेहरे देखकर ही मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हुई है और शायद उसकी स्टेज भी बहुत आगे तक बढ़ गई है. जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मुझे कौन से स्टेज का कैंसर है, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि लास्ट स्टेज कैंसर है, पर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या लास्ट स्टेज कैंसर होने पर भी मैं इसे फेस कर सकती हूँ, तब उन्होंने कहा कि तुम इतनी हिम्मत के साथ पूछ रही हो तो तुम बहुत अच्छे से फेस कर सकती हो और ये जरूरी नहीं है कि लास्ट स्टेज होने पर हम इसे कैंसर से मुक्त नहीं हो सकते. यदि हम इसे हिम्मत के साथ फेस करें तो हम इस जंग को जीत सकते हैं. और तभी मैंने सोच लिया कि मुझे इस जंग को जीतना है. और हुआ ये कि जब 2013 में मेरी कीमो चल रही थी, तभी मैंने अक्टूबर में एक प्रोग्राम देखा. कैंसर अवेयरनेस पे प्रोग्राम था. उसमें मनीषा कोराला और युवराज सिंह, वो दोनों उस कार्यक्रम में आए थे. और जब मैंने देखा कि जब ये दोनों इस जंग से जीत चुके हैं और इस कार्यक्रम में आके उन्होंने अपनी जर्नी बताई, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस जंग से जीतना है. और जब वो एक हीरोइन होकर, जब उसके बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे, वो बिना विग लगाए पब्लिक के सामने आ सकती है, पब्लिक को फेस कर सकती है, तो मुझे भी लगा कि बाल तो बहुत छोटी चीज है, मुझे इस बीमारी से, इस जंग से जीतना है और मैं जीत कर बताऊंगी. और वाकई मैंने जीत कर बताया. मुझे वाकई लास्ट स्टेज पे होने के बाद भी मेरी स्टार्टिंग में 3 कीमो, फिर सर्जरी हुई, उसके बाद 3 कीमो हुई, लेकिन मेरा CA125 जितना कम होना था उतना नहीं हो पाया, तो 3 कीमो और हुई. यानी टोटल मेरी 9 कीमो हुई, लेकिन लास्ट में मेरा CA125 इतना नीचे आ गया कि जो एक सामान्य व्यक्ति में होता है उतना ही मुझ में था. और मुझे ऐसा लगा कि वाकई वो मैंने करके दिखाया. पर उसके लिए मैंने अपनी कीमो के दौरान बहुत सकारात्मक सोच रखी, आत्मविश्वास बनाए रखा, दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के साथ ही सोचा कि बस मुझे इस जंग को जीतना है, इस कैंसर से निजात पाना है. और उसमें मुझे मेरे परिवार का सहयोग मिला. उन्हीं के बल पे मैं इस जंग को जीत सकी हूं. और साथ ही कैंसर से जंग जीतने के बाद मैं कैंसर सपोर्ट ग्रुप के साथ भी जुड़ गई. उस समय जब मेरी कीमो चल रही थी तो मैं इंदौर से बाहर दूसरे शहर में थी, वहां मेरी कीमो हुई. लेकिन कीमो करवाने के बाद में जब मैं यहां पर आई तो कैंसर सर्वाइवर ग्रुप के साथ जुड़ी, तब मुझे ऐसा लगा, इतनी हिम्मत मिली, इतना हौसला मिला, और ऐसा लगा कि जब ये लोग कैंसर से जंग जीत चुके
जी चुकने के बाद इतने खुश रह सकते हैं, इतने हर हर कार्यों में इतने एक्टिव रह सकते हैं, तो जो नया कैंसर पेशेंट रहता है उनको इस कैंसर सर्वाइवर्स को देखकर बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। जब कैंसर पेशेंट बहुत डरा और सहमा रहता है बीमारी के बाद, उसे लगता है कि ये बीमारी मुझ में कैसे आ गई और मुझ में ही क्यों आई। लेकिन जब वो दूसरे कैंसर सर्वाइवर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वाकई मुझे भी इस जंग को जीतना है। और कैंसर सपोर्ट ग्रुप के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है, संबल मिलता है, आप में एक आत्मविश्वास जगता है कि नहीं, मैं भी ये काम कर सकती हूँ और इस जंग को जीत सकती हूँ। कैंसर के बारे में कई लोग इतना डरा देते हैं कि कैंसर हुआ मतलब जिंदगी खत्म, और उनको ऐसा लगता है कि यदि कैंसर पेशेंट है, यदि हम इसको छुएंगे, इसको हाथ लगाएंगे, इसके हाथ का बनाया हुआ कुछ खाएंगे तो हमें भी ये बीमारी हो सकती है। ऐसी कई लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस बीमारी में कीमो के दौरान व्यक्ति इतना उसकी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जब कीमो करवा के आती थी तो शाम को भी हंसते हुए घर आती थी, अपने परिवार जनों के साथ खाना खाने के बाद उनके साथ विभिन्न तरह के गेम खेलती थी जिसमें मुझे खुशी मिलती थी, परिवारजन वो मेरे साथ उसी तरह का कार्य करते थे और मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करती थी। इसलिए कैंसर के मन में जो एक लोगों के मन में एक कैंसर नाम की बीमारी का जो डर बना रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप हिम्मत के साथ फेस करें, आपके मजबूत इरादे हो और आपने ये संकल्प कर लिया कि मुझे इस बीमारी से निकलना है, तो आप वाकई निकल के बता सकते हैं। और मैं हमेशा ये दो लाइन हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये सब कैंसर पेशेंट में उसको अपनी हिम्मत जगानी होगी, उसको सकारात्मक रुख रखना होगा, उसको अपना सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि हमें इस बीमारी से बाहर निकलना है, तब वाकई वे इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं, कई बार ऐसा लगा है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल की तरफ, अपने खाने पीने की तरफ, अपनी हर तरह की रूटीन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उन गलतियों को हम सुधारें, हम पौष्टिक आहार लें, साथ ही हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हम बदलें, उसको बिल्कुल व्यवस्थित बनाएं, प्राणायाम करें, योगासन करें। मेरी जब तक कीमो चलती रही तब तक मैंने एक ही पद्धति एलोपैथी को ही अपनाया, लेकिन जब मेरी कीमो खत्म हुई, जब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, तब मैंने इसके साथ ही आयुर्वेदिक पद्धति को भी अपनाया, योगासन प्राणायाम करने लगी, अपनी ओर ध्यान देने लगी और पौष्टिक आहार बिल्कुल व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन लेना शुरू किया। ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि अब हम जो हो चुका है उसको भूल जाएं, लेकिन अब हम इसकी ओर ध्यान दें और ये सब चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम उससे बहुत कुछ निजात पा सकते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा हौसला हमेशा बरकरार रहे। मैं कैंसर पेशेंट के लिए भी को ये बोलना चाहूंगी कि आप रोते हुए भी इसको फेस करना है और हंसते हुए भी फेस करना है, तो क्यों ना हम इसको हंसते हुए फेस करें और सोचें कि ठीक है, आ गई बीमारी, होना था, हमारे साथ आनी थी,
लेकिन आने के बाद भी हम इसको अपने हौसलों के साथ जीत सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। और वाकई जब हम कैंसर सर्वाइवर्स को देखते हैं कि वे सब जब इससे निजात पा चुके हैं, तो कैंसर पेशेंट को देखकर बहुत संबल मिलता है और उसे भी लगता है कि मैं भी इस जंग को जीत जाऊंगा। और परिवार वाले भी उसका यदि कैंसर पेशेंट को पूरी तरह सहयोग दे, हर तरह से भावनात्मक रूप से सहयोग दे और उसको उसको उसमें भी आत्मविश्वास जगाए और जो वो दृढ़ संकल्प वो के साथ वो कुछ करना चाहती है उसमें पूरी तरह सहयोग दे, तो वाकई परिवार के सहयोग के कारण कोई भी कैंसर पेशेंट इस जंग को जीत सकता है और या जीतने के लिए पूरी कोशिश कर सकता है। हम अपनी कोशिश कभी भी नहीं छोड़े, कोशिश हमेशा करते रहे और हम यही सोचे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस जंग से जीतना है, तो हम जीत के बता सकते हैं। क्योंकि शरीर में तो केवल श्वास चलती है मगर जिंदगी आत्मविश्वास के साथ चलती है। हम अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें। और एक चीज मैंने और ये देखी कि मुझे अपनी बीमारी के दौरान परिवार का बहुत सहयोग मिला, पारिवारिक सहयोग मिले, आर्थिक सहयोग भी, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस होने के बाद मुझे बहुत कुछ ये था कि परिवार के ऊपर बहुत अधिक खर्च का एक जो अतिरिक्त बोझ है वो नहीं आ पाएगा। तो इन सब चीजों के कारण मुझे एक नैतिक संबल मिला और इन सब के कारण मैं इस जंग को जीत चुकी, आज मैं कैंसर मुक्त हूं। एक चीज और बता दूं कि 2013 में जब मुझे ओवेरियन कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज का कैंसर आया था, तब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको रेकरेंस की संभावना है। तो उसके बाद 2016 में मुझे पुनः लीवर में कैंसर आया, उसके बाद 2018 की जनवरी में मुझे फिर से ओवरी में कैंसर आया, लेकिन हर बार वही मजबूत इरादों के साथ, वही दृढ़ संकल्प के साथ, वही आत्मविश्वास के साथ इस जंग को जीतने के लिए मैं पूरी तरह तैयार थी। और आज मैं पूरे अधिकार के साथ कह सकती हूँ कि मैं पूरी कैंसर मुक्त हूँ और मुझे इन सब में परिवार का सहयोग मिला है, उसके सहयोग के कारण ही मैं इस जंग को जीत चुकी हूँ। मैं कैंसर सर्वाइवर ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं तो इस जंग को जीत चुकी हूँ। साथ ही जो नए कैंसर पेशेंट आते हैं उनको भी मैं उतनी ही हौसला और हिम्मत देती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि जब हम इस जंग को जीत चुके हैं तो तुम भी इस जंग को जीत सकते हो और तुम्हें इस जंग को जीतना है। जब ये विश्वास कैंसर पेशेंट पे आ जाता है तो वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है। मेरा यही कहना है कि हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़ना है, कोशिश हमेशा करते रहना है, तो सफलता जरूर मिलेगी और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है। और इन सब के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपना सकारात्मक सोच रखें, मजबूत इरादे रखें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएं और बड़ी हिम्मत के साथ इस बीमारी का सामना करें, हंसते हुए करें, चाहे हमारे बाल चले गए हों, लेकिन हम यही सोचें कि कोई बात नहीं, हम जब कैंसर जैसी बीमारी से जीत सकते हैं तो बाल तो बहुत छोटी सी बात है, जाने के बाद फिर नए आ जाएंगे। जब हम इस तरह की सोच बना के आगे चलते हैं, हंसते हुए इस बीमारी का सामना करते हैं, तो हम हर बड़ी से बड़ी चीज पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। मैं हमेशा ये चार लाइनें हमेशा कहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही
जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिता जी, इट वॉज रियली इंस्पायरिंग एंड इट वॉज रियली लवली टू हियर यू टॉक as well. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक्स आपको भी, आपने मुझे मौका दिया, मंच दिया कि मैं दूसरे कैंसर पेशेंट्स को एक हिम्मत दे सकी, हौसला दे सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।